आज हम सेजना की फली और लहसुन की सब्जी बनाने वाले हैं, जिसमें मैंने ये सेजना की फली ली है। इसको मैंने बारीक बारीक काट के उबाल के रख लिया है और एक कटोरी जितना लहसुन मैंने इसमें काट छील के रखने हैं। लगभग 2 छोटे चम्मच जितना तेल लेंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने इसमें 1/2 चम्मच जितना जीरा डाला है और अब हम इसमें 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। ये जो मैंने लहसुन लिया था उसको मैंने बारीक 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 चॉप कर लिया है। अब इस तेल में हम सबसे पहले लहसुन फ्राई करेंगे। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। अब धीरे धीरे देखो ये लहसुन पकने लग गया है। जब तक हमारा लहसुन पकता है तब तक हम साइड में इसके लिए मसाला बना लेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच लाल मिर्च लिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको मिला के पानी के साथ मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाया है जिसमें हमने 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसको पानी के साथ इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये हमारा लहसुन जो हमने फ्राई किया था वो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो हमने ये मसाले का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे। ये मसाले का पूरा पानी जल चुका है और इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है और ये मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये जो फली मैंने उबाल के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे। देखिए ये फली ने अच्छे से मसाला जो कर लिया है, तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये सब्जी बन चुकी है। अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है।